नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है फुल कोर्स ऑन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या इंडस्ट्रियल सुरक्षा से संबंधित फुल कोर्स। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि अभी मैंने रिसेंटली दो तीन फुल कोर्स वीडियोज़ बनाए, जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी और स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, और उन सब वीडियोस को आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों के बहुत सारी क्वेरीज भी आई, कमेंट्स भी आए और साथ ही व्यूज़ भी उस पे अच्छे खासे मिले। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सुरक्षा संबंधित फुल कोर्स वीडियो तैयार किया है, ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उनका एक निचोड़ मिल सके, सार मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को बाकी फुल कोर्सेज वीडियोस की तरह पसंद आएगी। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अनसेफ एक्ट या असुरक्षित कृत्य क्या होते हैं, अनसेफ कंडीशन या असुरक्षित हालात क्या होते हैं, नियर मिस या बाल बाल बचना किसे कहते हैं, और एक्सीडेंट या दुर्घटना क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन या फिर असुरक्षित कृत्य या असुरक्षित हालात की परिभाषा क्या है। दोस्तों, अनसेफ एक्ट या असुरक्षित कृत्य ऐसा कार्य होता है या ऐसी गतिविधि होती है जो हमें किसी भी प्रकार के खतरे में डाल सकती है। जैसा आप लोग यहाँ डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं, अनसेफ एक्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क और अदर एक्टिविटी डेट इज़ कंडक्टेड इन अ मैनर डेट मे थ्रेटन द हेल्थ और सेफ्टी ऑफ वर्कर। ऐसा कार्य या ऐसी गतिविधि जो किसी वर्कर की हेल्थ या सेफ्टी को खतरे में डाल सकती है, हम उसको अनसेफ एक्ट करेंगे। मान लीजिए कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ और मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो वो क्या है, एक अनसेफ एक्ट मैं कर रहा हूँ। या मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, अनसेफ एक्ट या असुरक्षित कृत्य। ऐसी गलती जो हम खुद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी या दूसरे एम्प्लॉय या वर्कर की जान या हेल्थ को खतरा पहुंच सके, उसको हम बोलते हैं अनसेफ एक्ट। इसका सबसे बेहतर उदाहरण जो मैंने आपको बताया, बिना हेलमेट के बाइक चलाना या बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना अनसेफ एक्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब जान लेते हैं कि अनसेफ कंडीशन क्या होती है। अनसेफ कंडीशन इज़ अ कॉमन कंडीशन इन द वर्क प्लेस डेट इज़ लाइकली टू कॉज प्रॉपर्टी डैमेज और इंजरी। अनसेफ कंडीशन या असुरक्षित हालात ऐसी स्थिति होती है जो कि वर्क प्लेस के अंदर हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को चोट लगने के लिए कारण बन सकती है। जैसे मैंने पहला उदाहरण आप लोगों को दिया कि मैं बिना हेलमेट के बाइक पे जा रहा हूँ या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अनसेफ एक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आगे चल के मुझे रोड के बीच में खड्डा मिल गया या नाली खुली मिल गई, तो वो क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गई, असुरक्षित हालात हो गए। ऐसे ही जब हम वर्क प्लेस में काम करते हैं जहाँ हमें हेलमेट लगाना चाहिए या पीपीई लगाना चाहिए, हम वहाँ पर पीपीई नहीं लगाते या हेलमेट नहीं लगाते, तो हम क्या कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। और ज़मीन के ऊपर अगर तेल फैला हुआ है, कचरा फैला हुआ है या केमिकल्स फैले हुए हैं, तो वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है, असुरक्षित हालात हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे हम अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के कुछ उदाहरण। जैसा आपको यहाँ दाई तरफ तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, हेलमेट को हाथ में टांगा हुआ है। जनरली हम इंडियंस ऐसे ही करते हैं, हमें शर्म आती है हेलमेट लगाने में, हम हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट को हाथ में टांग लेंगे
और आराम से बाइक चलाते जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये भी बड़ी कॉमन कंडीशन है हमारे रोड के ऊपर, हमें जहाँ तहाँ खड्डे दिख जाते हैं, और कई बार ये खड्डे इतने गहरे होते हैं कि हमारी बाइक भी उसमें चली जाती है। तो ये क्या है, असुरक्षित हालात हैं या अनसेफ कंडीशंस हैं। या जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हो कि लगभग करीब बीचों बीच आ रहा है एक पेड़ है, और उस पेड़ को हमने नहीं काटा और उसके साइड से रोड बना दी, तो ये क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। और सबसे आखिरी में ये जो उदाहरण आपको दिख रहा है, ये हमारी जितनी भी वेल्डिंग करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं, वहाँ पे मुझे अक्सर देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर मार रहे हैं बड़े आराम से, बड़े मज़े से, और उस ग्राइंडर की चिंगारी ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर गिर रही है या एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर गिर रही है, और वो बेधड़क काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। अनसेफ एक्ट क्या कर रहे हैं, कि इस दिशा में काम कर रहे हैं कि चिंगारी सिलेंडर के ऊपर जाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हम कुछ कॉमन अनसेफ एक्ट जान लेते हैं, जैसे कि पीपीई का ना पहनना, वो क्या है, एक अनसेफ एक्ट है। असुरक्षित गति से ऑपरेटिंग उपकरण, जो सीमा हमने बनाई हुई है मशीन की, हम उससे ज़्यादा पे उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सुपरवाइजर का विफलता शॉप फ्लोर के ऊपर, उसका कोई कंट्रोल ना होना, सुरक्षा उपकरणों का बाईपास कर देना, कुछ सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं मशीनों के ऊपर, ऑपरेटर क्या करता है या सुपरवाइज़र क्या करता है, उनको हटा देता है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। दोषपूर्ण उपकरण, खराब उपकरण, पर्याप्त सुरक्षा या चेतावनी के बिना खतरनाक स्थानों में काम करना, कि हम ऐसे कोई खतरनाक या हजार्डस स्थान पर काम करने और वहाँ पे हमने कोई भी सेफ्टी का स्लोगन या पोस्टर नहीं लगा रखा, तो हम क्या कर रहे हैं, वो एक अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। उपकरणों की अनुचित मुरम्मत, जो हमारी मशीनें हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना करना, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, सीधा एक अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। अब जानते हैं कुछ अनसेफ कंडीशंस। दोषपूर्ण उपकरण या आपूर्ति, सामान या वस्तु का या मशीन का दोषपूर्ण होना या डिफेक्टिव होना, अपर्याप्त सपोर्ट या गार्ड। सपोर्ट या गार्ड ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी चीज़ को सेफ रखने के लिए लगाई जाती हैं, होते हैं ना सेफ्टी गार्ड्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो, तो अगर वो नहीं लगे तो क्या हुआ, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। अपर्याप्त चेतावनी प्रणाली, आग और विस्फोटक के खतरे, खराब हाउस कीपिंग, असमान चलने वाली सतह, अनइवन सरफेसेस होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जर्नली थोड़ा जब शॉप फ्लोर पुराना हो जाता है तो उसमें खड्डे हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। अत्यधिक शोर, ऐसी जगह जैसे कि ग्राइंडिंग होती है या प्रेस शॉप चलती हैं, बहुत ज़्यादा साउंड लेवल होता है, तो वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है। खराब वेंटिलेशन, ऐसे भी कुछ प्रोसेसेस हैं या ऐसी भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे वेंटिलेशन ख़राब है और उनका प्रोसेस ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा धुआं या डस्ट निकलता है, तो वो क्या है, एक अनसेफ कंडीशन क्रिएट कर देती है हमारे वर्किंग एरिया के अंदर। तो दोस्तों, ये जितने भी हमारे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस हैं, इनको हमें अपनी इंडस्ट्री के अंदर पहचानना है। पहचानना क्यों ज़रूरी है, ये हम आगे जानेंगे। अब जानते हैं नियर मिस या बाल बाल बचना किसे कहते हैं, और एक्सीडेंट या दुर्घटना किसको कहते हैं। अ नियर मिस इज़ अ यूजली कॉज्ड बाय अ सीरीज ऑफ डेंजरस कंडीशन डैट व्हेन अननोटिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट, और अ नियर मिस इज़ एन अनप्लान्ड इवेंट डैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज बट डज नॉट एक्चुअली रिजल्ट इन ह्यूमन इंजरी, इन्वायरमेंट और इक्विपमेंट डैमेज और एन इंटरप्शन टू द नॉर्मल ऑपरेशन। जैसे कि आप लोग इस परिभाषा से समझे गए होंगे कि नियर मिस एक ऐसी घटना है, दुर्घटना नहीं है, ऐसी घटना है जो कि आम तौर पर खतरनाक परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें किसी तरीके से जान या माल की क्षति नहीं होती या जान या माल का नुकसान नहीं होता। तो एक ऐसी घटना जो कि हमारी डेंजरस कंडीशंस या डेंजरस कंडीशन को हम क्या अभी जाना था हमने, अनसेफ कंडीशंस या अनसेफ एक्ट की वजह से
कोई ऐसी एक्टिविटी हो बट उसमें कोई हमारा जो जान या माल का नुकसान ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नियर मिस। उसको बोलेंगे हम बाल बाल बचना। जैसे कि हम क्रेन से कोई मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं और चेन अचानक से टूट गई, चेन कमज़ोर थी, चेन अचानक से टूट गई और हमारे पैर के पास आके गिर गई। तो पैर के पास आके गिरी लेकिन पैर के ऊपर नहीं गिरी, हमारा पैर भी बच गया और वो जो मटेरियल गिरा उससे फर्श भी डैमेज नहीं हुआ, जो आसपास की किसी मशीन में भी चोट नहीं लगी, नुकसान नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया? नियर मिस। अब जानते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज डिफाइंड एन अनप्लान्ड इवेंट डेट रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। एक दुर्घटना क्या है? एक अनियोजित घटना है, मतलब कि अनप्लान्ड इवेंट है जिससे कि हमारी जान या माल का नुकसान होता है। नियर मिस क्या हुआ? जिसमें कोई जान या माल का नुकसान नहीं हुआ। और एक्सीडेंट क्या हुआ? ऐसी घटना, वो भी अनप्लान्ड ही होगी, नियर मिस भी अनप्लान्ड ही होगा और एक्सीडेंट भी अनप्लान्ड होगा। तो जो है एक ऐसी अनियोजित घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत चोट या संपत्ति को क्षति होती है, जिसमें पर्सनल इंजरी होती है या प्रॉपर्टी डैमेज होती है। एक्सीडेंट जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होती है मामूली दुर्घटना और एक होता है प्रमुख दुर्घटना या माइनर एक्सीडेंट और मेजर एक्सीडेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अब जो ये मैंने आपको चारों चीज़ें बताई, अनसेफ एक्ट बताया, अनसेफ कंडीशन बताई, नियर मिस बताया, एक्सीडेंट बताया, अब ये जो चारों चीज़ें हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है? ये एक दूसरे से संबंधित हैं, वो जानते हैं कि इनका आपस में क्या संबंध है। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो, ये जो पर्सन है एक फोर्क लिफ्ट लेके जा रहा है और फोर्क लिफ्ट क्या हुआ? हमारी रैक से टकरा गई जाते जाते। इस व्यक्ति ने क्या किया? उतर के देखा तो पाया कि यहाँ कोई चोट नहीं लगी, रैक कोई ख़राब नहीं हुआ, इस व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी, इस इक्विपमेंट को कोई चोट नहीं लगी, यानी कि प्रॉपर्टी डैमेज 0, पर्सनल इंजरी 0। तो ये क्या हुआ? नियर मिस। क्लियर डेफिनेशन नियर मिस की। अब यहाँ देखते हैं दूसरी इमेज, इसमें क्या हुआ? फोर्क लिफ्ट ने सामान को लिफ्ट किया हुआ है और ये व्यक्ति इसके नीचे से गुजर के जा रहा है, मटेरियल क्या हुआ? गिर गया। ये गिरा मटेरियल लेकिन इस व्यक्ति को चोट नहीं लगी ना इक्विपमेंट के ऊपर चोट आई, तो ये क्या हुआ? नियर मिस। ये हो गया बाल बाल बचना। और यदि ये सामान इस व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो वो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट या दुर्घटना। एक उदाहरण देखते हैं आप, जैसे कि ये हमारी जो क्रेन है एक मटेरियल को लिफ्ट कर रही है, लिफ्ट करते हुए क्या पता चला कि इसकी एक जो चेन का सिरा है वो हल्का सा टूटा हुआ है। इस व्यक्ति ने क्या गलती करी कि इस लिफ्ट के नीचे से निकल के जा रहा है जो मटेरियल को लिफ्ट कर रही है। अब ये जो चेन थी जो टूटी हुई थी, ये वाली चेन जो टूटी हुई थी वो, या टूटने वाली थी वो टूट गई, टूटी तो ये व्यक्ति बच गया, बच गया तो क्या हुआ? नियर मिस। ना कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, ना कोई माल को नुकसान हुआ, ना जान को, ना किसी को चोट लगी, तो ये क्या हो गया? नियर मिस। लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर गिर गया, व्यक्ति को चोट लग गई, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सीडेंट। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि ये चारों आपस में कैसे जुड़े हैं, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस और एक्सीडेंट। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, सेम उदाहरण है जो मैंने अभी दिया आपको, ये चेन टूटने वाली है, ये दोनों यहाँ से आराम से गुजर रहे हैं मस्ती करते हुए, क्या कर रहे हैं? अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। ये क्या थी? अनसेफ कंडीशन थी, असुरक्षित हालात, इन्होंने क्या किया? असुरक्षित कृत्य। और ये यहाँ से टूट गया चेन, तो क्या हुआ? ये दोनों बच गए तो कहलाएगा नियर मिस, अगर दोनों नहीं बचे तो कहलाएगा एक्सीडेंट। एक और उदाहरण देखते हैं, इस उदाहरण का नाम है ट्रॉली ऑन द लूज। इसमें भी सेम कहानी, ट्रॉली का व्हील टूटने वाला है, तो ये क्या हो गया? एक अनसेफ कंडीशन हो गई, असुरक्षित हालात हो गए। ये व्यक्ति यहाँ से मस्ती मारता हुआ जा रहा है, गुनगुनाता हुआ जा रहा है, बिना किसी चीज़ को आसपास देखे ध्यान से, तो ये क्या कर रहा है? एक अनसेफ एक्ट कर रहा है। ये ट्रॉली गिर गई लेकिन ये व्यक्ति बच गया, तो ये क्या कहलाएगा? नियर मिस। अगर ये व्यक्ति नहीं बचा, ट्रॉली व्यक्ति के ऊपर गिर गई या किसी चीज़ को और नुकसान पहुंचा, तो वो क्या कहलाएगा?
एक्सीडेंट। एक और उदाहरण देखते हैं, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में अक्सर देखने को मिलता है कि जो ऑपरेटर काम करते हैं वो जहाँ तहाँ टूल को रख देते हैं। अब यहाँ आप जो देख रहे हो पहली इमेज के अंदर, इस व्यक्ति ने हाइट पे टूल को टांग दिया, तो ये क्या हो गया, एक अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई। ठीक है, अब ये जो टूल है इसके ऊपर रखा हुआ है, इस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर कुछ है तो नहीं, साथ ही ये व्यक्ति दूसरा वाला यहाँ से गुजर के जा रहा है, इसने क्या किया, इस पे टकरा गया, तो ये टूल हमारा नीचे धड़ाम से गिरा, धड़ाम से गिरा और ये व्यक्ति बच गया, तो क्या कहलाएगा, नियर मिस। और ये अगर व्यक्ति ना बचे, इसके ऊपर टूल आ गिरा, सर पे लग गया या मशीन के ऊपर भी गिर जाए और मशीन को कुछ नुकसान पहुंच जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सीडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चारों कॉन्सेप्ट हैं, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस और एक्सीडेंट, क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, जब से कोरोना या फिर COVID-19 आया है, पीपी शब्द बहुत प्रचलन में आ गया। पहले तो लोग इसके बारे में कम ही सुनते थे या कम ही जानते थे, लेकिन जब से COVID-19 आया तो लगभग हर कोई इस शब्द से अवगत हो चुका है कि पीपीई, जैसे पीपीई किट हमें पहननी चाहिए, या फिर जब हम ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन में तो पीपीई किट पहन के ट्रैवल करना ज़रूरी है, और पीपीई किट के बिना हम अस्पताल में नहीं जा सकते, या कोरोना पेशेंट को पीपीई किट पहनाई जाती है, डॉक्टर भी पीपीई किट पहनते हैं। तो ये पीपीई है क्या भला, तो हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है। पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल का मतलब हुआ स्वयं के लिए, प्रोटेक्टिव जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, और इक्विपमेंट उपकरण, तो ऐसे उपकरण जो हमें सुरक्षा प्रदान करें उसको हम बोलेंगे पीपीई। यही इसकी परिभाषा भी है। पीपीई हमें गंभीर कार्यस्थल चोटों और बीमारियों को कारण बनने वाले खतरों के संपर्क को कम करने के लिए पहने जाने वाला उपकरण है। मतलब कि कोई गंभीर चोट या बीमारी से हमें पीपीई बचाता है। ये गंभीर चोट या बीमारियां रासायनिक, रेडियोलॉजिकल, भौतिक यानी कि फिजिकल, विद्युत या इलेक्ट्रिकल, या कोई भी प्रकार का खतरा हो सकती है। अब ये पीपीई जो हमने सुना, तो इंडस्ट्री जो है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, उसके अंदर कई प्रकार के पीपीई पहने जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है सेफ्टी शूज़। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये तस्वीर, इसमें इस व्यक्ति ने सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं। तो हमारा सबसे कॉमन जो पीपीई है, जो ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर पहनना मैंडेटरी है, उसको हम सेफ्टी शूज़ कहते हैं। सेफ्टी शूज़ और शूज़ में क्या फ़र्क होता है? शूज़ जो होता है नॉर्मल शू, हमारे पैर को सेफ रखता है, साफ़ सुथरा रखता है, हमें कंफर्ट रखता है, धूल मिट्टी में हमारे पैर नहीं जाते। लेकिन जो सेफ्टी शूज़ है, इसमें क्या है, एक स्पेशल प्रोटेक्शन लगी होती है फ्रंट टो की तरफ, जो हमें किसी भी प्रकार की चोट से बचाती ही है। मान लीजिए कि हमारे जूते के ऊपर कुछ भारी सामान गिर जाए, या हमारे ठोकर लग जाए, या हमारा जो शू है वो किसी ऐसी जगह पे चला जाए जो गर्म है, तो हमें सेफ्टी शूज़ इन तरीकों के जो खतरे हैं उनसे हमें बचाता है। दूसरा सबसे कॉमन जो हमारा पीपीई इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, वो होता है सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट हमें क्या, जो हम ऊंचाई पे काम करते हैं उस वक्त हमारे सर को सुरक्षा देता है, साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री के अंदर जब हम कोई क्रेन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है कि क्रेन की जब मूवमेंट होती है, तो कई बारी क्या हुआ, उसका हुक हमारे सर पे लग गया, या कुछ और सामान हमारे सर पे लग गया, या कोई पर्सन ऊपर चढ़ के काम कर रहा है, उसके हाथ से कोई चीज़ गिर गई और वो हमारे सर पे लग गई, तो क्या है कि हमारा सर एक तरबूज की तरह है, वो तुरंत फट जाएगा। तो सेफ्टी हेलमेट जो है वो हमें किससे सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमें सर पे लगने वाली चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरीके से रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनी जाती है या एप्रॉन पहना जाता है। सेफ्टी जैकेट क्या है,
सेफ्टी या रिफ्लेक्टिव जैकेट जो है वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। ये अक्सर क्या है, जहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं प्लांट के अंदर, जैसे कोको कोला का प्लांट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट का प्लांट हो गया, वहाँ पे क्या है व्हीकल मूव करते हैं। रात में क्या हुआ कि एक व्यक्ति चल के जा रहा है और ट्रक को पता नहीं चला, उसने सेफ्टी जैकेट नहीं पहनी थी, तो पता नहीं चलेगा कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। लेकिन जब हमने सेफ्टी जैकेट या रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनी हुई है तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो चमकने लगेगी। तो उससे क्या हुआ, हमारी सुरक्षा हमें मिल गई, या हम सुरक्षित हो गए कि ट्रक ड्राइवर को दिख गया कि यहाँ से कोई पर्सन जा रहा है, मैं देख के गाड़ी चलाऊँ। इसी तरीके से जो एप्रॉन है या सूट्स हैं वो हमें हमारे शरीर के ऊपर होने वाले जो खतरे हैं, कोई गर्म चीज़ हमारे शरीर के ऊपर ना गिरे, कोई चिप्स वगैरह हमारे शरीर के ऊपर ना गिरे, उन सब चीज़ों से हमें ये हमारी जैकेट या हमारे एप्रॉन बचाते हैं। इसके बाद आते हैं ग्लव्स। ग्लव्स जो हैं वो हाथों की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं कि हमारे हाथों में कोई चोट ना लगे, कोई नुकीली चीज़ ना लगे, या हम कोई केमिकल का काम कर रहे हैं तो हमारे हाथों पे वो केमिकल टच ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्लव्स सेफ्टी प्रदान करते हैं हाथों के लिए। सेफ्टी शूज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद आता है हेयर नेट। ये अक्सर कहाँ पहना जाता है, जो फूड इंडस्ट्री होती है वहाँ पे हमें हेयर नेट पहनना मैंडेटरी होता है, क्योंकि जब हम वहाँ पे काम करते हैं तो कई बारी क्या होगा कि हमारे बाल झड़के वो खाने के अंदर गिर सकते हैं, और वो जब हम किसी के सामने वो पैकेट आएगा जिसमें बाल हो तो हम उस कंपनी के बारे में क्या सोचेंगे कि इनके यहाँ क्या सेफ्टी है, प्लस वो अनहाइजेनिक है, तो इस कारण से कंपनी बंद भी हो सकती है या कंपनी के ऊपर केस भी हो सकता है। साथ ही साथ ये हमारे हाइजीन से रिलेटेड पॉइंट है, जैसे कि हम घर में देखते हैं कि अगर सब्जी में बाल गिर जाए तो हम वो सब्जी नहीं खाते। इसी तरीके से काम करते वक्त अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर बाल चला गया खाने के अंदर तो हम वो खाना पसंद नहीं करेंगे और वो अनहाइजेनिक होगा। इसके बाद आते हैं सेफ्टी गॉगल्स, जो हमें आंखों पे लगने वाली चोट से बचाते हैं। जैसे कि हम ग्राइंडिंग कर रहे हों या वेल्डिंग कर रहे हों, ग्राइंडिंग करते वक्त क्या होता है, चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी हमारे आंख के अंदर आ सकती है या कोई पार्ट उछलता हुआ हमारे आंख में भी लग सकता है। तो सेफ्टी हमें कहाँ से मिली, सेफ्टी गॉगल से। आंखों की सेफ्टी के लिए क्या पहनेंगे, आंखों के चश्मे। इसी तरीके से जो ईयर प्लग पहने जाते हैं वो हमारी कानों की सुरक्षा के लिए होते हैं। अक्सर ये कहाँ पहने जाते हैं, जहाँ पे 85 डेसिबल, ये आप नोट कर सकते हैं, जहाँ पे 85 dB से ज़्यादा साउंड लेवल हो वहाँ पे हमें ईयर प्लग पहनना मैंडेटरी है। जैसे कि प्रेस शॉप, ग्राइंडिंग सेक्शन, जहाँ पे शोर बहुत हो, 85 डेसिबल जो आप ये साउंड मीटर से नाप सकते हैं, या उसको लोग डीबी मीटर भी बोलते हैं, उससे आप नाप सकते हैं। तो अगर आपका जो नॉइज़ लेवल है वो 85 dB से ज़्यादा है तो आपको ईयर प्लग पहनना मैंडेटरी है। इसके बाद आ जाते हैं मास्क। मास्क जो है हमें सांस के द्वारा कोई जहरीली चीज़ हमारे शरीर के अंदर ना चली जाए, उस चीज़ से सेफ्टी प्रदान करते हैं। जैसे कि हम सीमेंट प्लांट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सीमेंट हवा में उड़ रहा है, अगर हमने मास्क नहीं पहना तो वो सारा सीमेंट हमारे शरीर के अंदर जाएगा और जाके हमारे फेफड़ों पे जम जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। वो किस लिए किया, कि एक पर्सन को अगर COVID-19 वायरस है, उसके अंदर उसके लक्षण हैं और वो छींकता है तो क्या होगा कि वो सारा हवा में फैल जाएगा वायरस, और दूसरे व्यक्ति के सांस के थ्रू अंदर चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मास्क को मैंडेटरी कर दिया, जिससे कि COVID-19 ज़्यादा स्प्रेड ना हो। इसी तरीके से जो आप ये देख रहे हैं फेस शील्ड, फेस शील्ड भी इसी काम आती है कि हमारे चेहरे के ऊपर अगर कोई हमें खतरा दिखता है, जैसे कि हम वेल्डिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है कि वेल्डिंग की जो लाइट है सीधी हमारी आंखों पे लगती है, और उसकी जो गर्म आर्क निकलती है उसके अंदर, उसमें से कई बारी कुछ पीस हमारे मुंह पे भी आ जाते हैं। तो उससे जो हमें सेफ्टी प्रदान करता है वो सेफ्टी शील्ड हमें सेफ्टी प्रदान करती है। ऐसे ही हमें कोई केमिकल का काम कर रहे हैं, वो केमिकल में कुछ हम पार्ट डुबो रहे हैं या मशीन से पार्ट चल रहा है केमिकल में डिप हो रहा है, कई बार क्या हो गया कोई पार्ट तेजी से छूट गया तो वो केमिकल उछल के आएगा और हमारे चेहरे को जला देगा या आंखों को जला देगा, तो फेस शील्ड उससे हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। इसी तरीके से सेफ्टी बेल्ट होती है। सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल ऊंचाई पे काम करने के लिए किया जाता है। जो नॉर्म्स हैं वो हैं कि अगर हम 1.3 मीटर हाइट से ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट पहनना मैंडेटरी हो जाता है।
सेफ्टी बेल्ट का क्या काम होगा कि अगर हम गलती से खिसक गए या गिर गए तो सेफ्टी बेल्ट हमें थाम के रखेगी और हमारे शरीर को चोट नहीं लगने देगी। और मैंने ना इस सब के लिए एक स्लोगन बनाया है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। वो इसलिए कि सेफ्टी के जो इक्विपमेंट हैं या जो पीपीई हैं ये पहनना हमारे हाथ में है। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट एज़ पर रिक्वायरमेंट पहन रहे हैं। लोग क्या होता है कि प्लांट में काम कर रहे होते हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट पहनने में उन्हें शर्म आती है, उन्हें बेइज्जती महसूस होती है, हेलमेट नहीं लगाएंगे, चश्मे नहीं लगाएंगे और ईयर प्लग नहीं लगाएंगे, सेफ्टी शूज़ नहीं पहनेंगे, उन्हें बेइज्जती महसूस होती है कि क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर है कि हमें बेइज्जती सी लगती है कि अगर हमने सेफ्टी इक्विपमेंट पहन लिए तो। तो इसलिए मैंने ये स्लोगन बनाया कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। अगर हम सेफ्टी इक्विपमेंट पहनेंगे तो वो हमें किसी भी प्रकार की चोट से या एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से हमें बचाएगा। अब जान लेते हैं कि जो पीपी हैं या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं इनको पहनने के क्या फ़ायदे हैं। मुख्य तौर पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को पहनने के दो मेजर बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। ये क्या करता है कि दुर्घटना की संभावना को कम करता है। हम ये सोचते हैं कि यार जब एक्सीडेंट होगा तो ये हेलमेट हमें क्या बचाएगा, कोई भारी चीज़ गिर गई तो, ये जूता हमें क्या बचाएगा अगर इसमें बहुत ज़्यादा भारी चीज़ गिर गई तो। अरे भाई, अगर मेरे पैर के ऊपर 200 किलो वज़न गिर गया तो अगर मैंने सेफ्टी शू पहना है एक में और एक बार नहीं पहना है, तो जब 200 किलो वज़न गिरेगा मान लो, फिर भी अगर इम्पैक्ट आया सेफ्टी शू पहनने के बाद भी, लेकिन बिना सेफ्टी शू के तो मेरा पैर बिल्कुल कट ही जाएगा। तो पीपी क्या करता है, जो दुर्घटना की संभावना होती है उसको बहुत हद तक कम कर देता है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि ये दुर्घटना की संभावना को कम कर देता है। इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है कि जो हवा में जो दूषित हवा है या दूषित पानी है या जो केमिकल है वो अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो उससे क्या है कि हमें चोट तो नहीं लगी लेकिन हम किसी बीमारी को अपने अंदर ले लेंगे। तो दूसरा बेनिफिट क्या है कि दूषित वातावरण में फैली हुई बीमारी से हमें ये सुरक्षित रखता है, या जो वातावरण के अंदर दूषित हवा है, केमिकल है, उसको हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। अब जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति हाइट पे काम कर रहा है लेकिन इसने कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहना, ना इसने हेलमेट लगाया है, ना इसने सेफ्टी बेल्ट लगाई है, ना इसने सेफ्टी शूज़ पहने हैं। तो अगर यहाँ इस ये ऊंचाई से गिरेगा तो इसका काम तमाम हो जाएगा। इसी तरीके से हम हिंदुस्तानी लोगों को ना हेलमेट पहनने में बिल्कुल शर्म आती है, लगता है कि हमारी तौहीन हो जाएगी अगर हमने हेलमेट पहन लिया तो, हमारे बाल खराब हो जाएंगे। बाल भले ना खराब हों लेकिन हाँ, आँख के अंदर दुनिया भर का धूल मिट्टी कंकर चला जाए वो हमें मंजूर है, लेकिन हम हेलमेट नहीं लगाएंगे। हेलमेट लगाएंगे तो किसको देख के लगाएंगे, पुलिस वाले को देख के लगाएंगे। भैया पुलिस वाला तो हमें क्या है, चालान ही काट सकता है ना, लेकिन अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हम सर के बल गिर गए रोड पे तो क्या होगा, हम तो मर जाएंगे ना, या हमें बहुत ज़बरदस्त चोट लग जाएगी। तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पुलिस वाले को देख के हेलमेट लगाएं, हमें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट पहननी है, या हमें अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई पहनना है। ऐसे ही गाड़ी ड्राइव करते हुए भी हमें सीट बेल्ट लगानी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है पीपीई को इस्तेमाल करने में। इसी तरीके से जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हमें मास्क लगाने में भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, हम खुद को भी बीमारी से बचाएंगे, दूसरे व्यक्ति को भी हम बीमारी से बचाएंगे। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि पीपीई का ना इस्तेमाल करना एक प्योर एग्जाम्पल है अनसेफ एक्ट का। किसका एग्जाम्पल है, अनसेफ एक्ट। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना रखी है, आप उस पे जाके देख सकते हैं कि अनसेफ एक्ट क्या होता है। इन शॉर्ट मैं समझा देता हूँ, जो एक्सीडेंट होता है दो कारणों से होता है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट क्या है, ऐसी गलतियाँ जो हम करते हैं जानबूझकर और जो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलेंगे अनसेफ एक्ट। हमने जैसे हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो हमने क्या किया, अनसेफ एक्ट किया। दूसरी चीज होती है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या है
कि कंडीशन ऐसी बन गई कि कंडीशन अनसेफ हो गई। मान लीजिए रोड पे खड्डा हो गया, ठीक है, हमें वो खड्डा दिखा नहीं और हमने उसमें से हमारी बाइक निकल गई, तो ये क्या हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गई जिसकी वजह से बाइक गिर गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो हमें जो पीपीई इक्विपमेंट्स हैं उनका हमेशा इस्तेमाल करना है, चाहे हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हों, या फिर हम घर पे हैं या बाजार में घूम रहे हैं। आज की डेट में तो हमें मास्क लगा के घूमना है और सारी प्रिकॉशंस लेनी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, जो मेरा काम है, बेसिकली जो मेरा काम है, कंपनीज में जाके विजिट करके उनको कंसल्टिंग देना 5S को लेके, सेफ्टी को लेके, लीन को लेके, सिस्टम्स को लेके। तो जब मैं कंपनी के अंदर प्लांट विजिट करता हूँ, ज्यादातर जगहों पे कंपनी ने पीपीई जो होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, जैसे कि हेलमेट हुआ, फेस मास्क हुए, गॉगल्स हुए, सेफ्टी शूज हुए, एप्रॉन हुए, तो कंपनियां लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें पीपीई प्रोवाइड कराती हैं कि ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो, और अगर कोई हादसा हो तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। लेकिन लोगों को पता नहीं, हमें बचपन से ही इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि ना, हमें शर्म आती है सुरक्षा से रिलेटेड चीजें इस्तेमाल करने में। जैसे कि हम अपने माँ बाप से या चाचा से या दोस्त से सीखते हैं बचपन से ही कि भाई, हेलमेट नहीं लगाना बाइक पे चलते हुए। हेलमेट लगाना तो बहुत शर्म की बात है। अगर हमने हेलमेट लगा लिया तो पड़ोसी क्या सोचेगा, बोलेगा अबे तू तो हेलमेट लगाता है, क्या जरूरत है हेलमेट लगाने की। हम हेलमेट कब लगाते हैं, जब सामने पुलिस वाला खड़ा हो। पुलिस वाले को देख के हमें हेलमेट क्यों लगाना है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए हेलमेट लागू किया है कि हमें हेलमेट लगाना है, तो वो हमारी सुरक्षा के लिए है। इसमें पुलिस वाला क्या करेगा, पुलिस वाले को देख के हम हेलमेट लगा लेंगे। अब मान लो पुलिस वाला नहीं देख रहा और हमने हेलमेट नहीं लगा रखा और हमारी बाइक कहीं पे जाके एक्सीडेंट हो गई, तो चोट किसको लगेगी, पुलिस वाले को या हमें। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली हैं कि हम जो है ना, सेफ्टी को लेके कैजुअल ना हो। ऐसे ही कंपनी के अंदर हेलमेट दिया जाता है जहां पे क्रेनें चलती हैं या कोई भारी सामान उठाया जाता है, तो लोग क्या करेंगे, बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। उनको बोलो कि भैया हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा, तो बोलेंगे जी हमारे सर में दर्द होता है। और वहीं जब दूसरे लोग बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी कह लीजिए, या जहां पे रूल सख्त हैं कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो निकाल दिया जाएगा कंपनी से, जिस तरीके से दिल्ली में थोड़ा रूल सख्त है हेलमेट को लेके, फरीदाबाद में या उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं है। लोग बाग बिना हेलमेट के आराम से मस्ती में घूम रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते, ज्यादा ज्यादा 10-20-50 रुपए ले लिए और बात सेटलमेंट हो गई। इसी तरीके से जो हमारी एमएसएमई यूनिट्स है, वो फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराती है लोगों को कि वो चाहती है हमारे लोग आगे बढ़े, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है लोगों का कि उस चीज को एब्जॉर्ब कर पाए। हेलमेट दे दिए उनको, हेलमेट नहीं लगाने, हेलमेट लगाने में शर्म आती है, सर दुखता है। अगर ऊपर से सामान गिरेगा कुछ, तो सर दुखेगा नहीं, सर फट जाएगा तरबूज की तरह, और एक बार सर फट गया तो सर में कुछ नहीं बचा और आदमी में कुछ नहीं बचा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने कार्यस्थल पे जहां भारी सामान उठाया जाता है, हेलमेट हमेशा लगा के रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जाके दीवार में सर मांग दो 10 बार और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप सर मारना पसंद नहीं करेंगे कि क्यों मारूं मैं दीवार में सर, मेरे सर में चोट लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मेरे बोलने पे तो आप मना कर दोगे, लेकिन खुद आप डेली वही काम कर रहे हो। क्योंकि जो दुर्घटना होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुर्घटना के दो मुख्य कारण होते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो जो असुरक्षित कृत्य है या असुरक्षित हालात है, वो कभी भी पैदा हो सकते हैं। तो उसी के लिए हमें जो अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है लगा के रखने। ऐसे ही प्रेस मशीन्स के ऊपर कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने सेफ्टी आर्म्स लगा के दे रखे हैं कि जब बंदा हाथ डाले मशीन के अंदर, तो वो सेफ्टी आर्म उसका हाथ हटा दे और उसकी उंगली ना कटे गलती से अगर स्ट्रोक लग जाए। लेकिन लोग क्या करेंगे, उस सेफ्टी आर्म को खोल देंगे और बिना सेफ्टी आर्म के काम करना शुरू कर देंगे। अब इसमें ऑनर की क्या गलती है, ऑनर ने तो लगा के दे दिया ना सेफ्टी आर्म, गलती तो हमारी, हम अपनी जान को इतना कैजुअली ले रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक उंगली काट के दे दो,
मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा या 50,000 रुपये दूंगा, आप नहीं दे पाओगे, लेकिन आप अपने वर्क एरिया के ऊपर रोज उंगली काटने को तैयार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। स्क्रीन पे आपके ना साथ के साथ कुछ इमेजेस भी मैं चला रहा हूं ताकि आप लोग देख सके कि हम क्या गलतियां करते हैं। और ये जो इमेजेस है ना, कहीं फॉरेनर से नहीं आई है, कि विदेश से नहीं मैंने फोटो खींची ना नेट से डाउनलोड करी है, ये पिक्चरें जो है मैं जिन कंपनियों में जाता हूँ वहां से ली गई है। इतना लोगों को अवेयर करने के बाद भी लोग लगाने को तैयार नहीं है, अपनी जान से रोज खेलते हैं। इसी तरीके से अभी एक रिसेंटली कंपनी के अंदर इंसिडेंट हुआ कि एक बंदा ड्रिल मार रहा था और उसकी जो टिप है आगे वाली वो उछल के आंख में लग गई। जब आंख में टिप उछल के लगेगी तो क्या होगा, आंख में क्या बचेगा, सबसे नाजुक हिस्सा है हमारे शरीर का आंख, वो टिप उछल के आंख के अंदर लगी और उसकी आंख चली गई। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के कि एक बंदे की आंख चली गई। उससे पूछो जिसकी एक आंख नहीं है कि उसको कैसा फील होता है, या जिसकी दोनों आंखें नहीं है, जिसको दिखाई नहीं देता, उसको कैसा महसूस होता है। मुझे मतलब बड़ा अफसोस होता है कि हम सेफ्टी को लेके इस तरीके से कैजुअल रहते हैं। एक और कंपनी में वेल्डर है, एक वेल्डर ग्राइंडिंग मार रहा है, उसका व्हील हल्का सा टूटा, उसकी आंख में उछल के लग गया, उसकी आंख में चोट लगी और वो पिछले 10 दिन से फैक्ट्री नहीं आ रहा। किसका नुकसान हो रहा है? फैक्ट्री का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ साथ बंदे का ये नुकसान हो रहा है कि भाई अब जो घर पे बैठेगा उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो जो ESI से जो सैलरी मिलती है इतना बेसिक के हिसाब से वो मिल जाएगी। नुकसान किसका हुआ? हमारा खुद का हुआ ना, जो बंदा वहां पे काम कर रहा था। इसी तरीके से हमें सेफ्टी शूज कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं लेकिन हम पहन के नहीं आते, जिसमें पैरों में चुभता है, पैरों में कटता है, पैरों में ये होता है, पैरों में वो होता है। तो हमने क्या किया हुआ है, सेफ्टी इक्विपमेंट ना लगाने की ना PhD की हुई है। सब बहाने तैयार है हमारे पास, हमें सेफ्टी इक्विपमेंट या PPE क्यों नहीं पहनना है, लेकिन हम ऐसा करके अपनी जान से खेल रहे हैं। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा कि जान से कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि हादसा जो होता है वो बता के नहीं होता और एक बार ही होता है। जब एक बार होता है और एक बार में ही इतना खतरनाक होगा, या तो आपका कोई हिस्सा कट के अलग हो जाएगा या आप सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। और जब आप अगर मर जाते हो या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं नहीं रहा दुनिया में, तो कौन है पीछे देखने वाला? तो कम से कम अपने बारे में ना सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, और जो हमें सुरक्षा के उपकरण कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं उनको हम पहने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी वीडियो जो लगातार देखते हो, अगर उससे कुछ सीख आप लोगों को मिलती है और ये जो वीडियो मैंने बनाई है इससे कुछ आपको सीख मिलती है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने वर्क एरिया के अंदर PPE इक्विपमेंट जरूर लगाएं। ऐसा करके आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। और बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आपको नहीं लगाना तो आप मेरे से जाके सड़क में गिर जाओ, दीवार पे सर जाके फोड़ लो, अपने सर के ऊपर गिरा लो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, फर्क आपको पड़ेगा। तो ये आप लोगों को सोचना है कि सेफ्टी इक्विपमेंट जो है आप लोगों ने लगाने हैं या नहीं लगाने। धन्यवाद। हेलमेट हम लोग कैसे लगाते हैं? ज्यादातर इस तरीके से, ठीक है? काम करते करते नीचे झुकेंगे, हेलमेट गिर जाएगा, और गिरने पे ये टूटा भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, बढ़िया क्वालिटी का है। तो हेलमेट कैसे लगाना है, ये बेल्ट होती है इसकी, इसको ऐसे लगा के अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है? अब मैं नीचे झुकूंगा दोबारा से, नहीं गिरेगा। तो जो भी हेलमेट लगाए इस तरीके से लगाए, नहीं तो वो खाना पूर्ति है, ठीक है? इसी तरीके से लगाए, एक दिन दो दिन दिक्कत परेशानी होगी लेकिन फिर अपने आप आदत पड़ जाएगी। ऐसे बाइक भी जब चला रहे हैं तो उसमें भी ये जो बेल्ट होती है खोल के रखते हैं, वो भी क्या है कि अगर आप गिरोगे तो हेलमेट दूर जाके पड़ेगा, तो बेल्ट के साथ लगाना है। ऐसे लगाएंगे ऐसे ही, ठीक है जी, थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आग क्यों और कैसे लगती है।
दोस्तों इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फायर ट्रायंगल को या अग्नि त्रिभुज को। अग्नि त्रिभुज तीन चीजों से मिलके बना है और वो तीनों चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो किसी भी प्रकार की आग लग सकती है। तो वो तीनों चीजें क्या-क्या हैं? इन तीन चीजों में सबसे पहली चीज है पर्याप्त मात्रा में ईंधन। इन तीनों चीजों में सबसे पहली चीज है पर्याप्त मात्रा में ईंधन या पर्याप्त मात्रा में फ्यूल। दूसरी सबसे जरूरी चीज है हीट या ऊष्मा। फ्यूल को जलाने के लिए गर्मी चाहिए और वो गर्मी कहाँ से मिलेगी? हीट से मिलेगी या ऊष्मा से मिलेगी या किसी चिंगारी से मिलेगी। तो दूसरी मुख्य चीज क्या है? ऊष्मा या हीट। इसके बाद जो तीसरी सबसे मुख्य चीज है वो है हमारी ऑक्सीजन। दोस्तों किसी भी प्रकार की आग को जलाने के लिए ये तीनों चीजें सबसे अहम हैं, फ्यूल, ऊष्मा और ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं आपस में तो आग जल जाती है। जब तक उसको फ्यूल मिलता रहेगा आग जलती रहेगी, जब तक आग को गर्मी मिलती रहेगी आग जलती रहेगी, जब तक आग को ऑक्सीजन मिलती रहेगी आग जलती रहेगी। इसी को हम फायर ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। अब जान लेते हैं कि जो हमारे कार्यस्थल होते हैं उनमें आग लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट आपस में मिल जाते हैं और फायर या आग जनरेट हो जाती है। जो सबसे पहला कारण है वो है संवेदनशील अग्नि खतरे वाली जगहों पर सावधानियां ना लेना। जैसे कि कहीं पे हमने केमिकल रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है या पेट्रोलियम पदार्थ रखे हुए हैं, वहां पे हम सावधानियां ना लें और वहां हम धूम्रपान करने लग जाएं या धूम्रपान करके हम बीड़ी छोड़ दें या सिगरेट छोड़ दें, तो उससे क्या होगा कि कोई चिंगारी पकड़ के आग लग सकती है। तो सबसे अहम और सबसे मुख्य कारण क्या है कि संवेदनशील अग्नि खतरे वाली जगहों पर सावधानियां ना बरतना। इसके बाद जो दूसरा मुख्य कारण है वो है कि कार्यस्थल प्रबंधन ठीक ना होना या कंपनी के अंदर 5S इंप्लीमेंट ना होना। दोस्तों जब किसी कंपनी के अंदर 5S इंप्लीमेंट नहीं होता तो चीजें यहां वहां बिखरी होती हैं। जब चीजें यहां वहां बिखरी होंगी तो उसमें क्या होगा, कोई केमिकल भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और कहीं से उसे चिंगारी भी मिल सकती है। तो जब ये सारी चीजें कांटेक्ट में आएंगी तो आग एकदम से उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा मुख्य कारण आता है वो है कि जब हम असावधानी पूर्वक खुली आग का इस्तेमाल करते हैं या खुली आग को यूज करते हैं, जैसे कि जब हम ग्राइंडर वगैरह लगाते हैं तो उस टाइम भी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। एक तरीके से वो खुली आग है, अगर वो किसी लिक्विड या कागज के संपर्क में आए तो आग लग सकती है। इसी तरीके से जब हम गैस कटिंग करते हैं, खास तौर पे जो हमारे वेल्डिंग वाले कारखाने हैं या जो वेल्डिंग वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे गैस कटिंग की जाती है मटेरियल को काटने के लिए, उसमें भी हमारा खुली आग का इस्तेमाल होता है। तो अगर उसको सावधानी ना बरती जाए, वो किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आ जाए तो आग उत्पन्न हो जाएगी। और सबसे आखिरी और सबसे अहम कारण है वो है शॉर्ट सर्किट। दोस्तों देखा अक्सर ये जाता है कि जो हमारे कारखाने हैं या जो हमारी कंपनीज हैं उनके अंदर हम बहुत ही असावधानी पूर्वक तारों का इस्तेमाल करते हैं। खुली हुई तारे होती हैं, नंगी तारे होती हैं, लोड के हिसाब से जो हमें तारे चाहिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, उससे हल्की तारे लगा देते हैं। तो होता क्या है कि ओवर हीटिंग की वजह से तारे जल जाती हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जब वो शॉर्ट सर्किट किसी दूसरी चीज़ के संपर्क में आता है तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या हुआ कि हीट मिल गई। जैसे हीट किसी फ्यूल को मिली तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में और हीट के संपर्क में आते ही क्या होगा, धमाका हो जाएगा या आग लग जाएगी। तो ये चार मुख्य कारण हैं जो किसी कारखाने में या घर में या किचन में या रसोई में कहीं भी इन वजहों से हमारी आग लग सकती है। दोस्तों अब जानते हैं कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है। जैसा आप लोगों को इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, आग जलाने के लिए तीन मुख्य चीजें होती हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। जब हम इन तीन चीजों का आपस में जो संपर्क है उसको खत्म कर देंगे तो आग बुझ जाएगी।
मतलब कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो भी आग बुझ जाएगी, गर्मी खत्म हो गई कि पानी डल गया उसके ऊपर तो भी आग खत्म हो जाएगी, और आग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही कि वो कमरा एकदम से बंद हो गया या हमने उसको एकदम से टाइट उस जगह को बंद कर दिया कि वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रही, तो भी हमारी आग बंद हो जाएगी। तो आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना है, इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को खत्म कर देना है। अब जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र या पानी का यूज करने से आग बुझ कैसे जाती है। दोस्तों, जब हम किसी आग के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर जिसके ऊपर आग लगी हुई है हम पानी की बौछार करते हैं, तो क्या होता है कि आग एक श्रृंखलाबद्ध क्रिया है कि जब जलेगी तो वो सारी चीज़ों को जो उसके संपर्क में जो चीज़ें आ रही हैं उन सबको जलाती हुई चली जाएगी। तो होता क्या है कि जैसे ही हम उसके ऊपर पानी की बौछार करते हैं तो उसका संपर्क जो होता है ईंधन और ऑक्सीजन से खत्म हो जाता है, आग का संपर्क ऑक्सीजन और ईंधन से खत्म हो जाता है और आग एकदम से बुझ जाती है। तो दोस्तों, हमने अब जान लिया कि आग लगने के क्या कारण हैं, आग लगने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है या किन किन वजहों से आग लगती है, और आग अग्निशामक यंत्र का यूज़ करने से कैसे बुझ जाती है। अब जानेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब जान लेते हैं कि आग के प्रकार। दोस्तों, इस चीज़ को लेके कि आग कितने प्रकार की है इसमें कई सारी कन्फ्यूजन्स हैं या बहुत सारे सिस्टम हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कोई कहता है 3 तरीके की आग होती है, कोई बोलता है 5 तरीके की आग होती है, कोई बोलता है 6 तरीके की आग होती है। तो मैंने क्या किया है, जितने भी वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं उनका एक निचोड़ निकाला है और उसके हिसाब से मैंने टाइप्स ऑफ आग को या टाइप्स ऑफ फायर को डिफाइन किया है। मुख्य तौर पे अगर देखा जाए, और ये आपको अगर आप गूगल करेंगे या इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सारे सिस्टम्स को मिला करके जो निचोड़ निकलता है, चाहे वो अमेरिकन सिस्टम हो, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हो, यूरोपियन यूनियन वाले सिस्टम हो या एशियन सिस्टम हो आग की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, तो आप पाएंगे कि मुख्य तौर पे 6 तरीके की आग होती है या 6 तरीके की फायर होती है, जिनको हम लेटर जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं ABCDEF से जानते हैं। तो ए से लेके एफ कैटेगरी तक आग होती है। अब ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ई कैटेगरी या एफ कैटेगरी क्या है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है ए क्लास फायर या ए वर्ग की अग्नि। ए क्लास फायर क्या होती है, जो कंबसिबल सॉलिड्स होते हैं, मतलब कि ठोस चीज़ें जिनमें आग लग सकती है, अगर उनमें आग लग जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए क्लास की आग बोलेंगे, जैसे कि लकड़ी, पेपर, फैब्रिक इत्यादि। ये क्या है, ये ठोस चीज़ें हैं तो इनमें आग लग सकती है, अगर आग लग जाती है तो वो हो गई हमारी ए कैटेगरी की या ए क्लास की आग। अब ए क्लास की आग को बुझाने के लिए हम सीधे तौर पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, हम सीधा सीधा पानी की बौछार उसके ऊपर कर सकते हैं या किसी भी कैटेगरी का जो फायर सिलेंडर है वो हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं और आग बुझ जाएगी। इसके बाद जानते हैं बी कैटेगरी की आग। दोस्तों, जो बी कैटेगरी की या बी क्लास की आग होती है वो क्या होती है, फ्लेमेबल लिक्विड्स, मतलब कि जो तरल पदार्थ होते हैं जिनमें आग लग सकती है उनमें अगर आग लग जाए तो वो क्या कहलाएगी, बी क्लास की आग, जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या कोई भी ऐसा तरल जैसे कि थिनर, पेंट इत्यादि, इनमें जब आग लगेगी तो वो होगी हमारी बी कैटेगरी की आग। तो बी कैटेगरी की आग पे हमें कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इस पे बी कैटेगरी का फायर सिलेंडर इस्तेमाल करना है या ABC टाइप भी जो हमारे प्लांट के अंदर जनरली लगा होता है, हम इसके ऊपर ABC टाइप फायर सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं और आग बुझ जाएगी। इसके बाद आती है हमारी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है हमारी सी क्लास फायर या सी वर्ग की आग। जब आग हमारी ज्वलनशील गैसेस में लगती है, फ्लेमेबल या कंबेसेबल गैसेस में लगती है,
तो वो आग कहलाती है सी कैटेगरी की आग, जैसे कि एलपीजी में आग लग जाना, सीएनजी में आग लग जाना, हाइड्रोजन में आग लग जाना या अमोनिया में आग लग जाना, ये क्या कहलाएंगी? सी कैटेगरी या सी क्लास की आग। इनके ऊपर भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बुझाने के लिए। इसके लिए भी हम एबीसी टाइप जो फायर सिलेंडर होता है या सी टाइप जो फायर सिलेंडर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी डी कैटेगरी की या डी क्लास की आग। जैसे फ्लेमेबल गैसेस होती हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, ऐसे ही फ्लेमेबल मेटल्स भी होती हैं या कम्बसेबल मेटल्स भी होती हैं। ऐसी मेटल या ऐसी धातुएं भी होती हैं जिनमें भी आग लग सकती है, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील धातुएं होती हैं, तो इनमें भी आग लग सकती है। तो जब इनमें आग लग जाएगी तो हम उसको डिफाइन करेंगे डी कैटेगरी की या डी क्लास की आग। इसके ऊपर भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए हमें ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जो उस धातु के साथ रिएक्ट ना करे। जनरली क्या होता है कि ग्रेफाइट पाउडर हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं या राख या डस्ट जो होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बुझाने के लिए, या इसके जो MSDS में डिफाइन हो उसको हम उस मटेरियल को हम यूज़ करेंगे डी कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए। जनरली ABC टाइप फायर सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर भी इस कैटेगरी के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप बहुत ही सावधानी से डी कैटेगरी की आग को काबू पाएं। ऐसे ही कोई भी इसके ऊपर आप पानी या फायर सिलेंडर इस्तेमाल ना कर लें, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसके बाद आ जाती है हमारी क्लास ई या ई कैटेगरी या फिर ई वर्ग की आग। जैसे कि लेटर ई से डिफाइन है, इसको आप सीधा याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल फायर। ऐसी आग जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल कमी की वजह से लगती है या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, उसको हम बोलते हैं ई क्लास फायर। ई क्लास फायर के लिए भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ई कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए हम सी टाइप फायर सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जनरली जो ABC टाइप होता है पाउडर बेस, उसका भी हम इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी हमें पानी वाली तो कभी ज़िंदगी में भूल के भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद आ जाती है सबसे आखिरी जो है हमारी कैटेगरी एफ। ऐसी आग जो कि कुकिंग ऑयल्स या फैट्स या फिर ऐसे तरल या वसा में लग जाए जो कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटेगरी एफ की आग। जनरली आपने देखा होगा ना किचन के अंदर कई बारी ऊपर आग लग जाती है जब तवा या जो फ्राई पैन है वो ज़्यादा गर्म हो जाए और आपने उसके ऊपर कोई तेल डाला हुआ है तो उसके ऊपर आग लग जाती है। तो इस कैटेगरी की जो आग होती है उसको हम बोलते हैं एफ क्लास आग। इसके लिए भी हमें क्या करना है, पाउडर बेस ही सॉल्यूशन या जो फायर सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर भी हमें पानी का भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उससे पानी के जो है एक तरीके से बुलबुले बन सकते हैं और हमारे ऊपर उनकी तेल की, गर्म तेल की बौछार हो सकती है। दोस्तों जो फायर सिलेंडर होता है उसको जब हमें चलाने की ज़रूरत होती है तो उस टाइम हम भूल जाते हैं कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई है कि आप जो है फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का पास मेथड आसानी से सीख सकें और सिलेंडर को जब आप इमरजेंसी में यूज़ करें तो उसको बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए जो पास मेथड है ये चार स्टेप से मिलके बना है। हर स्टेप को जो है हमने एक लेटर से डिफाइन किया है, जिसके अंदर जो पहला लेटर है पी, उसका मतलब होता है पुल। सेकंड लेटर है हमारा ए, ए का मतलब है एम। थर्ड लेटर है हमारा एस, एस से होता है स्क्वीज। और जो सबसे आखिरी लेटर है वो है एस, जिसका मतलब है स्वीप। अब ये एक एक करके हम जान लेते हैं कि ये जो पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप है इसका क्या मतलब है, इसको हम यूज करके फायर सिलेंडर को या फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को हम
कैसे आसानी से यूज कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले स्टेप के अंदर जो कि है पुल, पुल द पिन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर एक पिन लगी होती है। पिन क्या होती है, एक्चुअली में लॉकिंग पिन होती है, जिससे कि जो हमारा फायर सिलेंडर है गलती से ना चल जाए, इसलिए उसके लिए उसमें एक सेफ्टी के लिहाज से एक पिन डाली जाती है। तो जब हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, तो जब सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना है वो क्या लेना है कि हमें उस पिन को पुल करना है। पुल मतलब उस पिन को खींच के झटके से निकालना है। अगर आप उसको आराम से निकालेंगे तो जो है पिन नहीं निकलेगी, उसके आगे एक सील लगी होती है, तो उसको सील को तोड़ने के लिए क्या जरूरी है, आप जो है पिन को झटके से निकालेंगे। जैसे ही आप पिन निकालेंगे, अब आपका जो फायर सिलेंडर है वो यूज करने के लिए तैयार है। इसके बाद जो है वो आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है एम। एम का मतलब, जैसा कि आपको हिंदी में पता है, एम का मतलब होता है निशाना साधना। जैसा आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि आपने क्या करना है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर की नली है उसको पकड़ना है एक हाथ से, और एक हाथ से जो उसका हैंडल है जिससे आप प्रेस करेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर जो है पाउडर को रिलीज करेगा। तो एक हाथ से जो आपने पकड़ा हुआ है उस नली को, उसको आपने एम करना है किधर, आग की जड़ में। दोस्तों आग को बुझाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि हमें जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको ऊपर से नहीं डालना, उसको ऊपर से पाउडर को नहीं छिड़कना, हमें जो पाउडर है वो आग की जड़ में डालना है, ताकि जो फायर है उसका कांटेक्ट फ्यूल के साथ खत्म हो जाए और आग बुझ जाए। तो आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में एम करेंगे, निशाना साधेंगे आग की जड़ में। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जिसका मतलब है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है दबाना। तो जो आपने एक राइट हैंड से जो हैंडल पकड़ा हुआ है, जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, उस हैंडल को आपने स्क्वीज करना है, दबाना है, ठीक है। जैसे ही आप हैंडल दबाएंगे तो जो आपने जो फायर की नली पकड़ी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर की जो नली पकड़ी हुई है, उससे पाउडर रिलीज होगा और वो पाउडर आप आग पे डालेंगे। अब आग पे डालने का भी तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उसको जड़ में डालना है। इसके बाद आ जाता है सबसे आखिरी और सबसे अहम स्टेप, वो है हमारा लेटर एस से स्वीप। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू मारना। ऐसे ही जब आपने नली एक हाथ से पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से आप हैंडल दबा रहे हो, तो नली को लेके आप आग की तरफ झाड़ू मार देंगे, ताकि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का पाउडर है वो पूरी आग पर फैल जाए। तो हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में स्वीप करना है, झाड़ू मारनी है, नली को हाथ में लेके झाड़ू की तरह उसको दोनों दिशाओं में घुमाना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो मेथड है, पास मेथड, ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस जो मेथड को आप अच्छे से याद कर लें, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, और कहीं भी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आग लग जाए, तो आप ये मेथड यूज करके आसानी से आग को बुझा सकते हैं। लोटो सिस्टम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगर आप सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, या आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए लोटो सिस्टम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी अपने यहाँ इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, लोटो सिस्टम क्या होता है, लोटो सिस्टम को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लोटो के 6 स्टेप्स क्या हैं और लोटो के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे लोटो की फुल फॉर्म और लोटो की परिभाषा या डेफिनेशन। दोस्तों लोटो की जो फुल फॉर्म होती है, लॉक आउट टैग आउट। लो से बना है लॉक आउट और टो से बना है टैग आउट। तो लोटो का मतलब हुआ लॉक लगाना और टैग लगाना, लॉकआउट टैग आउट। लोटो एक ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या उद्योगों के अंदर करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरम्मत के वक्त
या मेंटेनेंस के वक्त जो भी हजार्डस या खतरनाक एनर्जी सोर्सेज हैं उनको कोई दोबारा से शुरू ना कर दे, दोबारा से चालू ना कर दे बिना मरम्मत को ख़त्म हुए। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम लॉकआउट टैगआउट प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि मरम्मत ख़त्म होने से पहले कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या गलती से जो एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि बिजली है, पानी है, गैस है, उसको दोबारा से शुरू ना कर दे। और जो मशीन के ऊपर या प्लांट के अंदर व्यक्ति मेंटेनेंस कर रहा है या मरम्मत कर रहा है उसको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। अब ये जो हजार्डस एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? ये हजार्डस एनर्जी सोर्सेज या खतरनाक एनर्जी सोर्सेज कई प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिर्फ एनर्जी का मतलब बिजली नहीं है, एनर्जी के कई सारे स्रोत हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट प्रकार के हजार्डस एनर्जी सोर्सेज हैं या ऊर्जा स्रोत हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन है या जो सबसे पहला है वह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम छू लें या हमें उसको टच कर लें तो हमें बहुत ज़ोर से झटका लग सकता है या करंट लग सकता है या हमारी मौत हो सकती है। ऐसे ही पानी भी एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है कि सपोज़ हमने किसी पाइपलाइन के अंदर पानी भरा हुआ है और वो किसी ने गलती से एकदम से चालू कर दिया और उसी से मशीन चलती है तो हमारी जान जा सकती है, दूसरे व्यक्ति को चोट लग सकती है। ऐसे ही कोई केमिकल है या कूलेंट है। कूलेंट अगर आपने गाड़ी का रेडिएटर देखा हो उस पर लिखा होता है कि जब गाड़ी चलने की स्थिति में हो या चालू स्थिति में हो कूलेंट ढक्कन को ना खोलें। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम कूलेंट रोटेट कर रहा होता है। तो ऐसे ही अगर हमारी मशीन के अंदर कहीं पे कूलेंट या कोई केमिकल यूज़ हो रहा है और चलती मशीन में हम उसको ठीक करेंगे तो वो बाहर निकल के हमारी आँख में जा सकता है, नाक में जा सकता है और हमें क्षति पहुँचा सकता है। इसी तरीके से जो भाप है या स्टीम है वह भी एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है कि पाइपलाइन के अंदर स्टीम है और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया और गैस जो है स्टीम लीक हो गई तो हमें नुकसान पहुँच सकता है। इसी तरीके से जो न्यूमेटिक या कंप्रेस्ड एयर है वह भी एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है क्योंकि वह भी प्रेशराइज एयर होती है, वह भी हमें क्षति पहुंचा सकती है। नेचुरल गैसेस जैसे कि एलपीजी, पीएनजी वगैरह ये भी हजार्डस एनर्जी सोर्स हैं। हम मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और उस पर जो है गैस फ्लो कर रही है और गलती से कहीं चिंगारी निकल गई और वह गैस लीक हो गई तो आग लग सकती है और हमारी जान जा सकती है। तो लोटो सिस्टम को लागू करने से पहले इसलिए हमें हजार्डस एनर्जी सोर्सेज को पहचानना ज़रूरी है ताकि हम ये ना सोचें कि सिर्फ बिजली ही हजार्डस एनर्जी रिसोर्सेज है या सोर्स ऑफ हजार्डस एनर्जी है। इसके बाद है हाइड्रोलिक्स, जहाँ पे मशीन या कोई भी उसका पुर्जा हाइड्रोलिक्स के थ्रू चल रहा है, हाइड्रोलिक पावर पैक के थ्रू चल रहा है, तो वो भी क्या है, एक हजार्डस एनर्जी रिसोर्स है। इसके बाद मैकेनिकल तो है ही, जहाँ पे कोई मैकेनिकल एक्टिविटी की वजह से या मैकेनिकल मोशन की वजह से एनर्जी मिल रही है तो वो भी क्या है, एक हजार्डस एनर्जी सोर्स है कि जैसे कोई पहिया घूम रहा है और वो पहिए में हमारा हाथ आ जाए तो हमें चोट लग सकती है। तो इसलिए हमें इन सबको लॉकआउट टैगआउट करना ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है कि हमें हजार्डस एनर्जी को पहचानना ज़रूरी है। अब जो दोस्तों लोटो सिस्टम होता है उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है लॉक। लॉक हमें कहाँ लगाना है, जो हमारे हजार्डस एनर्जी रिसोर्सेज के कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि एमसीबी हो गई, कंट्रोल वाल्व हो गई, कि जहाँ से जैसे हमारी पाइपलाइन के अंदर गैस जा रही है या तेल जा रहा है तो हम उसकी वाल्व को बंद करके उसको लॉक लगा देंगे। ऐसे ही अगर हमारी एमसीबी से बिजली जा रही है तो हम क्या करेंगे, एमसीबी को डाउन करके एमसीबी के ऊपर लॉक लगा देंगे। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, लॉकआउट, कि हमने जो है जो एनर्जी सोर्स जहाँ से जा रहा है जिस लाइन के थ्रू सप्लाई हो रहा है उसको हमने लॉक कर दिया, लॉक करके चाबी अपने पास रख ली ताकि गलती से भी कोई वह सोर्स को ऑन ना कर दे। आपने एक घटना कई बार ही सुनी होगी आपके जान पहचान में भी, आस पड़ोस में भी, कि जी फलाना व्यक्ति मशीन के ऊपर काम कर रहा था या खब्बे पे काम कर रहा था बिजली के, या कूलर को चला रहा था या कूलर पे काम कर रहा था और किसी ने पीछे से आके लाइट ऑन कर दी और उस बंदे की मौत हो गई। तो इसलिए
लोटो सिस्टम लगाया जाता है कि गलती से भी या जानबूझकर कोई ऐसा ना कर सके। जब हमने उसको लॉक कर दिया तो कोई कितनी कोशिश कर ले उसको ऑन नहीं कर पाएगा। और आपको लॉक का ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि एक लॉक की एक ही चाबी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने लोटो सिस्टम में जितने भी लॉक हैं उन सबकी कॉमन चाबी बना रखी है, तो उससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जाके उसको आसानी से खोल लेगा। इसलिए हमें क्या सुनिश्चित करना है कि लोटो सिस्टम के अंदर एक लॉक की एक ही चाबी होनी है। उसके बाद आती है दूसरी चीज, टैग, जो टैग आउट का टैग है। जब हमने उस पर लॉक लगा दिया सिस्टम के ऊपर, फिर वहाँ पर हम एक टैग लगाएंगे कि ये टैग किसने लगाया है। जो ऑथराइज पर्सन है उस पर लिखेगा ये टैग मैंने लगाया है, इस कारण से लगाया है और इतने बजे तक लगा रहेगा। तो ताकि जब वहाँ पर कोई व्यक्ति जाए तो उसको सूचना मिल जाए कि भैया ये लोटो सिस्टम लगा हुआ है, मशीन की मरम्मत चालू है और हमें इसको ऑन नहीं करना है। कर तो सकता ही नहीं है ऑन, वैसे भी उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई टैग द्वारा कि हमने इस मशीन को ऑन नहीं करना है या ये मशीन अभी हमने ब्रेकडाउन के अंदर मेंटेनेंस के अंदर ली हुई है और इस पर लोटो लगा हुआ है। और जो तीसरी चीज है वह है हमारा लोटो स्टेशन। लोटो स्टेशन में क्या होगा, लॉक लगे होंगे, उनकी चाबियां होंगी और उनके टैग्स होंगे। हमें एक सेंट्रलाइज जगह तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं सब अपने अपने जेब में चाबियां लेके घूम रहे हैं, ताले लेके घूम रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर या एक डिपार्टमेंट के अंदर एक लोटो स्टेशन बना देते हैं। वहाँ पर वो सारे लॉक लगे होंगे, टैग लगे होंगे और जब भी कोई पर्सन लॉकआउट टैग आउट करने वाला है वह जाके वहाँ पर लॉकआउट टैग आउट कर सकता है। तो लॉकआउट टैग आउट भी हर कोई नहीं कर सकता, लॉकआउट टैग आउट भी जो निर्धारित व्यक्ति है वही कर सकता है। वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कर सकता है लॉकआउट टैग आउट की प्रक्रिया को। लॉक भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ तस्वीर के ऊपर देख रहे हो, ये एक सिंपल लॉक है, ये यहाँ पर ये जो हमारी जो हथकड़ी होती है उसके प्रकार का लॉक है, ये जो आपका दिख रहा है ना कफ्स की तरह है लॉक। तो जिस हिसाब से वॉल्व डिज़ाइन है, जिस हिसाब से हमारी MCB डिज़ाइन है, उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉक हो सकते हैं। बस हमें इंश्योर क्या करना है कि एक लॉक की एक ही चाबी हमें यूज़ करनी है या एक लॉक की एक ही चाबी होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको गलती से या जानबूझ के खोल ना सके सिस्टम को। कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जो जानबूझकर भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, हर फैक्ट्री के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। अब हम जान लेते हैं कि किसको अथॉरिटी है लॉकआउट टैग आउट करने की। तो बेसिकली क्या है, इंडस्ट्री के अंदर दो प्रकार के एम्प्लॉयज़ हैं, एक हैं ऑथराइज एम्प्लॉयज़ और एक हैं अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। ऑथराइज एम्प्लॉयज़ वह एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अथॉरिटी है कहीं पर भी एज पर प्लान लोटो सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन हो गए, ऑथराइज एम्प्लॉयज़, उन्हीं को सिर्फ अथॉरिटी है। मान लो कंपनी के अंदर 5 लोग हैं तो 5 लोग ही सिर्फ लोटो सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं, वही लगाएंगे जहाँ भी जाके ताला लगाना है, वही लगाएंगे जहाँ भी जाके टैग लगाना है। दूसरे होते हैं अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ क्या हैं कि वह एम्प्लॉयज़ जो लोटो सिस्टम लगने से प्रभावित होंगे। ऑथराइज पर्सन क्या हो गए, सपोज मेंटेनेंस वाले, मेंटेनेंस वालों को है कि वो लोटो सिस्टम जाके लॉकआउट टैग आउट कर सकते हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर। अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, जो इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, या अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ के अलावा सारे लोग जो हो गए वो हो गए अफेक्टेड एम्प्लॉयज़, चाहे वो सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, वर्कर है, मशीन ऑपरेटर है, हेल्पर है, कोई भी हो। ऑथराइज के अलावा जो भी व्यक्ति बचे कंपनी के अंदर वो हो गए सारे अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। आपने लोटो के बारे में जान लिया, लोटो की फुल फॉर्म जान ली, हजार्डस एनर्जी के सोर्सेज जान लिए कि क्या क्या हजार्डस एनर्जी हैं और हमने उन पे कैसे कैसे ध्यान रखना है। इसके बाद आपने जान लिया ऑथराइज एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं और अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं। अब ये सब जानने से आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे, आप उसका भी एक पूरा प्रोसेस है कि अगर आपको कहीं पे लोटो अप्लाई करना है तो हमने क्या क्या स्टेप सिक्वेंसली फॉलो करने हैं। तो ये जान लेते हैं कि ये 6 स्टेप लोटो इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या हैं, जिसके अंदर है सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर हमें क्या करना है कि जहाँ जिस एरिया या जिस मशीन के अंदर हम लोटो अप्लाई करने वाले हैं उसके रिलेटेड जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं, कौन से हाइड्रोलिक हैं, कौन से न्यूमेटिक हैं, कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज
है उस मशीन के ऊपर या उस एरिया के अंदर, उसकी हमें पूरी जानकारी एकत्रित करनी है। दूसरा जो स्टेप है वह है शटडाउन। शटडाउन के अंदर हमें क्या करना है, शटडाउन के अंदर हमें उस मशीन को बंद कर देना है विद प्रॉपर प्लानिंग, कि उस एरिया में जो काम कर रहे हैं लोग या उस एरिया का सुपरवाइज़र है उसकी जानकारी में होना चाहिए कि हम 9 बजे से 10 बजे तक ये शटडाउन लेने वाले हैं, आपको जो भी काम निपटाना है उससे पहले निपटा लो या उसके बाद आप उस काम को कर सकते हो। तो शटडाउन के अंदर क्या किया हमने, जाके जो भी वॉल्व है, मान लो कोई स्टीम है या हाइड्रोलिक है तो हमने वॉल्व को बंद कर दिया, और कोई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हमने जाके MCB को या मेन स्विच को डाउन कर दिया। ये क्या हो गया, हमारा सेकंड स्टेप हो गया शटडाउन। इसके बाद आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन के अंदर हमें क्या करना है कि उस मशीन को जो चीज़ सप्लाई कर रही है, शटडाउन में हमने क्या किया उस मशीन को बंद कर दिया, ठीक है। आइसोलेशन के अंदर हमने क्या करना है कि जो उस मशीन को जहाँ से मेन सप्लाई मिल रही है वहाँ जाके हमने आइसोलेट कर दिया, उसको भी हमने मेन स्विच को गिरा दिया। एक तो हमने मशीन का मेन स्विच गिरा दिया सेकंड स्टेप के अंदर, मशीन की सारी वॉल्व्स वगैरह सब हमने बंद कर दी। उसके बाद आइसोलेशन फेज के अंदर जाके जो उस मशीन को जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ जाके हमने उसको शटडाउन कर दिया या उसको बंद कर दिया। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वह आता है लॉकआउट टैगआउट। अब जो ये डिवाइसेस हैं जहाँ से उस एनर्जी मिल रही थी, जहाँ हमने उसको मेन स्विच को जाके बंद किया था, वहाँ पे जाके हमने लॉक लगाना है। लॉक लगा के चाबी जो ऑथराइज पर्सन है जो उस मशीन पे काम करने जाएगा सिर्फ उसी को अपनी जेब में वो चाबी रखनी है। ऐसा नहीं कि लॉक लगा के मैंने किसी और को दे दी, पता चला उसने पीछे से जाके ताला खोल दिया, तो जो मशीन पे काम करने वाला है वो लॉक लगाएगा और लॉक लगा के चाबी अपनी जेब में रख लेगा, साथ ही साथ उसके ऊपर एक टैग लिख के टैग टांग देगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये शटडाउन रहने वाला है, और जो इस पे काम कर रहा है उस व्यक्ति का वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होना चाहिए ताकि किसी को अगर संपर्क करना है तो वहाँ से संपर्क कर सके। हमने क्या किया, पहले प्रिपेयर कर लिया, फिर उसको हमने शटडाउन किया, आइसोलेट कर दिया, उसके बाद हमने लॉकआउट टैगआउट जो है वो लगा दिए। पांचवा स्टेप है स्टोर्ड एनर्जी चेक। स्टोर एनर्जी क्या होती है, जैसे कि किसी भी सिस्टम के अंदर मान लो कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर का क्या काम है, एनर्जी को इकट्ठा करके रखना है, स्टोर करके रखना है। तो हमने ये चेक करना है कि कोई स्टोर एनर्जी तो नहीं रह गई सिस्टम के अंदर। मान लो हमने मेन लाइन तो बंद कर दी न्यूमेटिक की, लेकिन फिर भी पाइपलाइन के अंदर हो सकता है कि हवा रह गई हो या कोई तेल रह गया हो जो हाइड्रोलिक है या डीजल है या कोई स्टीम रह गई हो। तो हमने क्या करना है, स्टोर एनर्जी को चेक करना है कि कोई अगर स्टोर एनर्जी तो नहीं है, जितने भी गेजेस वगैरह लगे हैं उनको देखेंगे हम कि वो प्रेशर में उठ तो नहीं रहे हैं, डाउन होने चाहिए सारे। अगर ऐसे कोई स्टोर एनर्जी वहाँ पर है तो हम उसको क्या करेंगे, वॉल्व खोल के उसको रिलीज कर देंगे कि स्टोर एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा आता है अगला स्टेप और सबसे लास्ट स्टेप, आइसोलेशन वेरिफिकेशन, कि हमने स्टोर एनर्जी भी चेक कर ली, अब आइसोलेशन वेरिफिकेशन करेंगे। मशीन के ऊपर जाके देखेंगे, जो ऑथराइज पर्सन है वह देखेगा कि सब कुछ स्टेप करने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं से कुछ हम करना भूल गए हों, कोई स्टेप लेना भूल गए हों, या एक आध हम जो है MCB को ट्रिप करना भूल गए हों, तो वो जाके चेक करेगा हर पॉइंट के ऊपर जहाँ जहाँ से एनर्जी आ रही है कि कहीं से एनर्जी आ तो नहीं रही है, आइसोलेशन को वेरिफिकेशन करेगा। तो पांच स्टेप क्या है, प्रिपरेशन, शटडाउन, आइसोलेशन, लॉकआउट, टैगआउट, स्टोर एनर्जी चेक, आइसोलेशन, वेरिफिकेशन। तो ये सारे स्टेप करके आप लोटो सिस्टम अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और किसी भी व्यक्ति की आप जान बचा सकते हो। दोस्तों हमारे लिए ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम एक छोटी कंपनी है या एक बड़ी कंपनी है, बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप है, तो हमें अपनी कंपनी के अंदर लोटो को लागू करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।